जेबीकेएसएस के काके प्रत्याशी ने कहा कि काके विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कई वर्षों से लगातार जनता को ठगने का काम किया है। काके विधानसभा में विकास का कार्य नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश के 24 वर्षों में काके की जनता जनार्दन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस बार हमारी पार्टी को काके की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ताकि हम काके की जनता जनार्दन की आवाज बनकर विधानसभा में उनके हक अधिकार की बात कर सके। सर्वप्रथम सबको मैं झारखंडी जोहार करता हूं, पूरे कांके विधानसभा के लोगों को और पूरे झारखंड वासियों को मैं मेरी तरफ से झारखंडी जोहार रहेगा, खतियानी जोहार रहेगा। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, मीडिया वाले हमारे जो भाई बंधु हैं सबको ही, कि हम लोगों की पार्टी जो आज एक पहले संगठन थी जेबीकेएसएस, आज वो भाषा का आंदोलन से स्टार्ट होकर आज वो एक राजनीतिक दल के रूप में जेएलकेएम पार्टी की इस रूप में अभी उजागर हुई है। और इस बार हम लोग जैसे कांके विधानसभा अभी तक जो है हम लोग का प्रत्याशी ऑलमोस्ट 76 के आसपास हम लोग का जो पार्टी है वो प्रत्याशी दे चुके हैं, तो मैं उनमें से कांके विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ और मेरा घर बुढ़मू बाजार टाड़ है और रहता हूँ मैं कांके सुगरुटू में। पढ़ाई लिखाई में मेरा BIT मिश्रा से अभी PhD चल रहा है, तो ये मेरी बैकग्राउंड है। अभी आप देखिए कि पढ़ाई के साथ अगर हम लोग में राजनीति में आने का एक मजबूरी पड़ा तो वो है एक संघर्ष जो हम लोग भाषा का आंदोलन किए, जिसमें हम लोग अपने भाषा पूरे झारखंड के भाषा के लिए हम लोगों ने ये मांग रखी कि भाई हम लोग का जो स्थानीय भाषा है उसको हम लोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उससे संघर्ष किए। तो उसके बाद हम लोग 60-40